सो दोस्तों, अगर आप भी आईफोन 11 लेने का सोच रहे हो इस बिग बिलियन डेज में, तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आईफोन 11 लेना वर्थ इट है या फिर नहीं, और इसका कॉस्ट इस बार आपको क्या पड़ेगा, और क्या 11 के जगह हमें कोई और फ़ोन लेना चाहिए या फिर 11 बेस्ट होने वाला है, सब कुछ बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये होने वाली है। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आईफोन 11 का। तो आईफोन 11 जो है इस बार की कॉस्ट में आपको ये दोस्तों लगभग पड़ने वाला है 28,000 रुपए का, ठीक है, 28 से लेकर 30,000 रुपए का पड़ेगा आपको, जो कि काफी कम प्राइस है। अगर दोस्तों हम इसका वर्थ इट है या नहीं इसका अगर हम बात करें, सो दोस्तों हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कार्ड्स पर जो है आपको भारी छूट देखने को मिलेगी। सबसे पहले दोस्तों हम यहां पर बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक के कार्ड्स पर आपको काफी ज्यादा छूट मिलेगी, उसके बाद दोस्तों आपको HDFC के कार्ड पर छूट मिलेगी, उसके बाद दोस्तों आपको जो है ICICI के कार्ड्स पर छूट मिलेगी, ठीक है। और अभी दोस्तों एक दो और कार्ड्स जो है इस लिस्ट में जुड़ेगी, तो इस लिस्ट को जो है हम आगे और लेकर आएंगे, वीडियो फिर से हमारा बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर जो है इन सारे कार्ड्स पर तो आपको छूट मिलेगी। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आईफोन 11 वर्थ इट है या नहीं। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें तो आईफोन 11 जो है एप्पल की तरफ से इस बार जो है दोस्तों डिसकंटिन्यू कर दिया, यानी कि एप्पल के ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप जाकर चेक करते हो तो आपको जो है दोस्तों आईफोन 11 देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आईफोन 11 जो है दोस्तों अब आपको एप्पल के जितने भी एसेसरीज वगैरह भी है ये भी अब आपको एप्पल के ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं देखने को मिलेंगे। अगर मेरी तरफ से बात किया जाए दोस्तों तो ये एक 4G फ़ोन है, ठीक है। आईफोन 11 जो है दोस्तों वो एक 4G फ़ोन है, और इसे लेना अभी वर्थ इट नहीं है, क्योंकि अब जो है दोस्तों 5G कनेक्टिविटी सब जगह आ चुकी है, तो 4G फ़ोन लेकर आप अपना सिर्फ पैसे को बर्बाद करोगे। इसी के जगह दोस्तों आप थोड़ा सा अपना बजट बढ़ाकर अगर आईफोन 12 की ओर जाओगे तो वन ऑफ द बेस्ट आपको ये डिसीजन होने वाला है। लेकिन दोस्तों अगर आपको 5G से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ आईफोन ही चाहिए, तो आप आईफोन 11 परचेज कर सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट वो भी मैं कहूँगा, क्योंकि एक टाइम पर आईफोन 11 का भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड था। लेकिन दोस्तों इसका जो डिज़ाइन है पीछे के साइड से वो भी थोड़ा कम हो चुका है, यानी कि ओल्ड फैशन हो चुका है। एंड दोस्तों आईफोन 13 का जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा अलग हो गया है, ठीक है। आईफोन 12 और आईफोन 11 का जो दोस्तों डिज़ाइन लगभग सेम है। सो दोस्तों यहाँ पर जो है अगर आप लेना चाहते हो ले सकते हो, कोई भी इशू नहीं है, दोनों फ़ोन्स बढ़िया हैं। अगर मेरे हिसाब से आप पूछो तो मैं बोलूँगा कि आप थोड़ा सा अपना बजट बढ़ाओ एंड आईफोन 12 की ओर जाओ, ठीक है। बाकी दोस्तों ये आपकी सोच है, आप जो भी लेना चाहते हो वो आपके लिए बेस्ट है। और थोड़ा सा अगर आप इधर उधर करते हो तो यहाँ पर जो है आईफोन 11 भी अच्छा है, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाला है, बाकी सब चीज़ आपको लगभग सेम ही मिल जाता है। तो दोस्तों होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड मिलता हूँ दोस्तों ऐसी कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।